हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सूखे आलू की सब्जी, जो मेरे फेवरेट डिश में एक डिश है। तो इसके लिए मैंने दो मीडियम साइज पोटैटो ले लिया है, उसको मैंने उबाल कर उसका स्किन पील आउट कर लिया है और इसको इस टुकड़ों में काट लिया है। तो आप देख सकते हैं, मैंने थोड़ा बड़ा साइज का टुकड़ों में इसको काटा हुआ है, क्योंकि अगर छोटे, क्योंकि आलू जो है हमने उबाल रखा है, सो जब हम इसको कुक करेंगे, कढ़ाई में हिलाएंगे, तो इस टूटने का चांसेस है। इसलिए आप भी ऐसे बड़े टुकड़ों में ही इसको काट लीजिए बॉयल करके। तो चलिए, अब हम पैन को हीट कर लेते हैं। तो लीजिए, मेरा पैन हीट हो चुका है। तो अब मैं इसमें ऑयल डालूंगी। तो मैं यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो ये करीबन 3 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल है। आप इससे भी ज़्यादा आप दे सकते हैं। सो ऑयल को हीट होने देते हैं थोड़ी देर। सो लीजिए, हमारा ऑयल हीट हो चुका है, जैसे स्टीम आ रहा है। सो चलिए, अब हम इसमें डालेंगे जीरा। सो आप एक बात याद रखिए, जो आप कड़ी में जो जिस भी मसाले का फ्लेवर आप इंटेंस करना चाहते हैं, सो ही पहले आप ऑयल में, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, यही डालना है। तो अब मैं इसमें डालूंगी सूखी हुई रेड चिली। अब हम इसमें डालेंगे चॉप किया हुआ ग्रीन चिली। अब इसमें डालेंगे मीडियम साइज का अनियन। चलिए इसको फ्राई कर लेते हैं अनियन को, जब तक ये सुनहरा ना हो जाए। आप देख सकते हैं कि हमारा अनियन का कलर चेंज हो चुका है। सो अब हम इसमें जो बॉईल किया हुआ पोटैटो था वो डाल देंगे। अब मैं इसमें डालने वाली हूँ स्वाद अनुसार नमक। अब हम इसमें डालने वाले हैं कोरिएंडर और जीरा पाउडर। अब हम इसमें डालने वाले हैं ड्राई रोस्ट किया हुआ तिल। ये ऑप्शनल है, आप नहीं भी डाल सकते हैं। तो लीजिए, हमारा सूखी आलू की सब्जी बिल्कुल तैयार है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको सर्व कर देंगे। तो लीजिए, हमारा सूखे आलू की सब्जी बिल्कुल तैयार है। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस रेसिपी। आज के लिए इतना ही। सी यू नेक्स्ट टाइम।